बिजनेस मार्केट की जानकारी के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सुरेंद्र सावंत के पास। नमस्कार, बिजनेस टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं सुरेंद्र सिंह। आज सबसे पहले बात करते हैं बीएससी की। आज सेंसेक्स 353.93 के उछाल के बाद 17,099.28 पर बंद हुआ। आज सेंसेक्स का हाईएस्ट पॉइंट 17,135.44 रहा और लोएस्ट पॉइंट 16,758.69 रहा। इसके अलावा बात करते हैं एनएससी की, तो आज निफ्टी 108.25 के उछाल के बाद 5,140.20 पर बंद हुई। आज निफ्टी का हाईएस्ट पॉइंट 5,149.90 रहा और लोएस्ट पॉइंट 5,035.25 रहा। इसके अलावा बात करते हैं सोना चांदी की, तो आज सोना 28,149 रुपये प्रति 10 ग्राम बिका और चांदी 63,080 रुपये प्रति किलो बिकी। बिजनेस टुडे में आज के लिए इतना ही। बाकी सिरसा हलचल के लिए चलते हैं हमारे स्टूडियो में। गांव रंगड़ी में जाल पीर बाबा का अटूट भंडारा और भजन कीर्तन किया गया। ये भंडारा और भजन कीर्तन 72 घंटे लगातार चलेगा। इस अवसर पर श्रद्धालुओं ने पीर बाबा नाच गाकर गुणगान किया। गौरतलब है कि ये भंडारा जाल पीर बाबा का हर वर्ष लगता है। आज हम गांव रंगड़ी खेड़ा में खड़े हैं, जहां पर मैं नाम विवेक, मैं राजस्थान डिस्ट्रिक्ट से, यहां पर हर साल आते हैं हम। जो जिसकी मनोकामना होती है ना, जो आता है ना, एक बार आता है मत्था टेकता, तो उसकी मनोकामना उसी टाइम पूरी हो जाती है। बहुत ज्यादा मन में ये शांति होती है, यहाँ बैठा रहूं, घर के की तरफ तो ध्यान ही नहीं जाता जी आने के बाद। इतना चमत्कार है जी यहाँ पे, आप कभी सच्चे दिल से मत्था टेकने आओ तो आपको पता चले क्या चीज है यहाँ पे। ऐसी ऐसी चीजें आपको मिलेंगी, कहीं नहीं देखी होंगी आपने। कितने सालों से ये श्रद्धा जो है? ये तो 30 साल से यहाँ से चल रहा है, लंगर ऐसे चल रहा है जी। मेरे को 3 साल होते हुए आगे आते हुए आए हैं यहाँ पे। सुना है आसपास के लोग भी, बहुत दूर दूर से, दिल्ली, यमुनानगर, हर तरफ से, चंडीगढ़, अजमेर, अलवर, हर जगह से यहाँ पे लोग आते हैं मत्था टेकने के लिए। जो आते हैं उनकी श्रद्धा यहाँ पूरी होती है, मनोकामना पूर्ण होती है। एक बार आते हैं मत्था टेकने, वो बार बार हर बार यहीं पहुंचते हैं। जय बाबे दी। मैं अपने बाबा जी की सबसे छोटी बेटी हूँ, बहुत प्यार करती हूँ मैं अपने बाबा जी से। मैं 22 साल की हूँ और जब से इस दुनिया में आई हूँ तभी से इस दरगाह पे आ रही हूँ। मैंने अपनी हर इच्छा पूरी हुई है मेरी यहाँ से, जब से मैं आ रही हूँ जो मांग रही हूँ। अभी पिछले साल मैंने अपने एग्जाम दिए थे सीएस के, सिर्फ 6 बच्चे पास हुए थे, उनमें सबसे ज़्यादा मार्क्स बाबा जी ने मुझे दिए थे। मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। आज मैं दिल्ली में रह रही हूँ, जब भी आती हूँ दरगाह पे ज़रूर आती हूँ। यहाँ पे जो भी आता है, एक बार भी कहकर जाता है तो उसकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। तो मैं सबसे गुजारिश करूँगी कि एक बार यहाँ पे ज़रूर आएँ, बाबा जी के चमत्कार देखें और अपनी उनकी इच्छा ज़रूर पूरी होगी। साथ 20% मेहनत की थी, 80% बाबा जी का आशीर्वाद था। बाबा जी का आशीर्वाद बिल्कुल था। जो यहाँ पर पढ़ने वाले हैं वो बाबा जी का आशीर्वाद लें और
बिल्कुल बिल्कुल, जो लोग कम पढ़ाई करते हैं 20% पढ़ाई करें, 80% बाबा जी का आशीर्वाद ले, वो पास हो जाएंगे। कोई बाबा जी की याद हो और चमत्कार ऐसे हो तो बताना चाहेंगे? यहाँ पे बहुत चमत्कार हैं, हर किसी की जिंदगी में हुए हैं, जो भी आए हैं उनके सब दुख दूर हुए हैं। अब हर किसी को नहीं बता सकते, सबके दुख होते हैं, तो जो भी आता है उसके कष्ट जरूर टल जाते हैं, इसलिए एक बार आएं और अपनी मनोकामना जरूर रखें, वो आपकी जरूर पूरी होगी। इस बार का मेला कुछ खास है, श्रद्धालु भी काफी ज्यादा है, इस बार आपने क्या मांगा है? एग्जाम कुछ होता है? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं मांगा, मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा, हमें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, वो खुद ही हमें दे देते हैं। और हर साल इसी तरह श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, इस बार कोई नई बात नहीं है, बाबा जी का भंडारा हर साल होता है और इसी तरह श्रद्धालु यहाँ आते हैं और ऐसे ही मेला लगता है यहाँ पर। राजस्थान से आते हैं, दिल्ली से आते हैं, चंडीगढ़ से लोग आए हुए हैं, अलवर से आज काफ़ी लोग आए हुए हैं।